हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता, मेरी यूट्यूब चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में वचन। आज हम सीखेंगे कि वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वचन, कि वचन किसे कहते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहेंगे कि वचन के अंदर के वचन उसे कहेंगे जिसमें संख्या का बोध होता है, कि वो एक संख्या है, दो संख्या है, तीन है, एक से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम वचन। जैसे हम लोग यहीं पर है, तो इसके अंदर बच्चों जो ये हम लोग हैं, हम लोग क्या है, ये संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा, तो ये क्या हुआ, ये वचन हुआ। ऐसे ही जैसे विद्यार्थी विद्यार्थी कक्षा में है, तो विद्यार्थी विद्यार्थी क्या बता रहा है, विद्यार्थी बता रहा है संख्या। जैसे राम और श्याम, खेल रहे हैं। राम और श्याम ये क्या हो गया, ये संख्या बता रहे, एक से ज्यादा है, दो हो गए, तो क्या हुआ ये वचन। तो वचन का मतलब क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उधर जैसे हम लोग यहीं पर हैं, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग संख्या बता रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में है, तो विद्यार्थी क्या हुआ, विद्यार्थी वचन है, ये संख्या बता रहे हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम क्या है, संख्या कि एक से ज्यादा है, दो है वो, तो ये क्या हुआ वचन। ठीक है बच्चों, वचन आ गया आपको। अब हम करेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो बच्चों वचन के प्रकार की वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब हम करेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, करेंगे हम एक वचन की परिभाषा, जिस या शब्द में एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं।
तो बच्चों एक वचन किसे कहेंगे हम, जिस वाक्य या शब्द में एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जैसे लड़का, लड़का एक है, पुस्तक, पुस्तक एक है, तो एक वचन का मतलब क्या हुआ कि जिस वाक्य या शब्द में एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो एक जैसे लड़का, पुस्तक, नदी, आम, तो ये क्या दर्शा रहा है कि कोई वस्तु है वो एक है, व्यक्ति है वो एक है, लड़का, पुस्तक, नदी, आम, तो ये किसकी विशेषता बता रहे, एक की। एक वचन क्या हुआ, जिस वाक्य या शब्द में एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, नदी, आम। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे बहुवचन की। बहुवचन की परिभाषा क्या है, करेंगे हम बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा क्या है जी, वाक्यों या शब्दों में एक से ज्यादा व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों बहुवचन किसे कहते हैं, जिन वाक्यों या शब्दों में एक से ज्यादा व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तो बच्चों इसके अंदर हो गया एक से ज्यादा, एक वचन के अंदर लड़का था, लड़का एक था, अब ये क्या हो गया लड़के एक से ज्यादा, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, जैसे लड़के, नदियां, नदियां क्या हो गई एक से ज्यादा, कितनी भी नदियां हो सकती हैं, लड़कियां, लड़कियां कितनी भी लड़कियां हो सकती है, चाहे वो दो हो, चार हो, पांच हो, कितनी भी लड़कियां, एक से ज्यादा हुआ तो होगा बहुवचन, कि जिन वाक्यों या शब्दों में एक से ज्यादा व्यक्ति या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आ गया आपको। अब हम करेंगे कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं। जो अब हम करेंगे कि शब्दों को एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तक एक है, अब हम इसका बहुवचन करेंगे तो हम बहुवचन के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे पुस्तक, पुस्तकों का बहुवचन हो गया पुस्तकें, पुस्तकें क्या हुआ ये बहुवचन, कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा वो कितनी भी हो सकती है, जैसे नदी, नदी एक नदी, अब हम इसका बहुवचन करना है तो बहुवचन के लिए क्या करेंगे, नदियां,
नदी का बहुवचन होगा नदियां, नदियों के अंदर कितनी भी नदियां आ सकती हैं। पाठशाला, पाठशाला एक वचन हुआ तो पाठशाला का भी बहुवचन करेंगे पाठशालाएं। पाठशाला का बहुवचन होगा पाठशालाएं। रुपया, रुपया का बहुवचन होगा रुपये। रुपया हुआ एक वचन और अगर हमने रुपये कर दिया तो ये हो गया बहुवचन। बहुवचन का मतलब है एक से ज्यादा। घोड़ा, घोड़ा एक वचन है, अब हम इसका बहुवचन बदलेंगे। बहुवचन में तो बहुवचन होगा इसका घोड़ा का घोड़े। बच्चा, बच्चा एक वचन है, अगर हम इसको बच्चे को, बच्चा का बच्चे, बच्चे क्या हो गया बहुवचन। पंखा, पंखा एक है तो एक वचन होगा और अगर हम इसका पंखे कर देंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन एक से ज्यादा। कौवा, कौवा एक है, कौवे, कौवा का होगा कौवे तो ये हो गया बहुवचन एक वचन। एक वचन का मतलब है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तक एक है और एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पुस्तक का पुस्तके। नदी, नदी एक वचन है, नदी को अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा नदियां। पाठशाला, पाठशाला एक वचन है, पाठशाला को बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाठशालाएं। रुपया, रुपया एक वचन है, रुपया को अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा रुपये। घोड़ा, घोड़ा एक वचन है, घोड़ा का अगर हम बहुवचन करेंगे तो ये हो जाएगा घोड़े। बच्चा, बच्चा एक वचन है तो बच्चा का बहुवचन करेंगे तो होगा बच्चे। पंखा, पंखा है एक वचन, पंखा को अगर हम बहुवचन करेंगे तो ये हो जाएगा पंखे कि वो एक से ज्यादा बता रहे हैं। कौवा, कौवा एक वचन है और अगर इसको बहुवचन करेंगे तो होगा ये कौवे एक से ज्यादा। कपड़ा, कपड़ा है एक वचन, अब हमें इसको बहुवचन करना होगा तो क्या करेंगे हम कपड़े, कपड़े के अंदर क्या हो गया एक से ज्यादा। कुत्ता, कुत्ता एक वचन है, अब हमें इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे कुत्ते। पत्ता, पत्ता एक वचन है, अब हमें इसे बहुवचन करना है तो पत्ता का पत्ते। गधा, गधा है एक वचन कि वो एक है, अब हम इसको बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा गधे एक से ज्यादा। तोता, तोता है एक, एक वचन, अब हम इसे बहुवचन करना है तो करेंगे तोते, तोते हो गया बहुवचन। बेटा, बेटा है एक, एक वचन, अब हम इसे बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा बेटे, बेटा का बेटे एक से ज्यादा हो गए। नारी, नारी एक है तो हमें नारी का बहुवचन करेंगे तो जाएगा नारियां। कपड़ा, कपड़ा एक वचन है तो हो जाएगा कपड़े बहुवचन। कुत्ता, कुत्ता एक है एक वचन तो बहुवचन करेंगे तो होगा कुत्ते एक से ज्यादा। पत्ता, पत्ता एक है तो एक वचन, बहुवचन बनाएंगे तो होगा पत्ते एक से ज्यादा। गधा, गधा एक है, गधा का बहुवचन करेंगे तो होगा गधे एक से ज्यादा। तोता, तोता एक है तो होगा ये एक वचन, एक वचन बहुवचन करेंगे तो होगा इसका तोते बहुवचन। बेटा, बेटा एक है, बेटा का बहुवचन करेंगे तो होंगे बेटे एक से ज्यादा। नारी, नारी एक है तो नारी का बहुवचन होगा नारियां। तो बच्चों ये तो हमने किया कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलता है। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं
और एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।